हेलो सीए पे एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड एसे क्वेश्चन ले रहे हैं। वो एक्सपेक्टेड एसे क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक कल्चर्स शेप्स कंट्रीज मिलिट्री रिस्पॉन्स। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या मिलिट्री से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो सिक्योरिटी, मिलिट्री, डिफेंस, आर्म फोर्सेस से कनेक्टेड जितने भी डायमेंशंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए, उनके डेटा गैदर करिए, बहुत आपके काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप, मैंने एक वीडियो भी तैयार की है सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने करीब 20 क्वेश्चंस दिखाए हैं जो सिक्योरिटी बेस्ड है और जो कि इम्पोर्टेंट है। वो आप वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट सिक्योरिटी बेस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड भी देखोगे तो 2022 में भी सिक्योरिटी बेस क्वेश्चन, 2019 में भी, 2018 में भी और 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने राइटिंग सेक्शन बैच में करवाया था। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में 15 ऐसे क्वेश्चंस, 10 रिपोर्ट, 10 आर्गुमेंट क्वेश्चंस, वो सारे हैं पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल से मेरा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है पेपर 2 के लिए। जिसको ज्वाइन करना है आप करिए। और जो डिटेल्स चाहिए उसके भी मैंने वीडियो तैयार किए हैं। आप मेरे चैनल के होम पेज में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के वीडियो भी दिखेंगे। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजिक कल्चर शेप्स कंट्रीज मिलिट्री रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स किस तरह से आपको ऐसे लिखना चाहिए, तो ऐसे लिखने के पहले ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो फिर आप अपने कंटेंट के जरिए ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो जब ये क्वेश्चन मैंने दिया था स्टूडेंट्स को राइटिंग सेक्शन बैच के, तो ये क्वेश्चन समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ गई। स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि जो आर्म फोर्सेस के कल्चर है वो मिलिट्री रिस्पॉन्स को शेप करते हैं, ऐसा फील हुआ था। ठीक है। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कल्चर का मतलब ये है कि कंट्री का कल्चर जैसा होता है वैसा ही उनका मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है। गॉट इट। ये है क्वेश्चन। तो आपको अपने कंटेंट के जरिए आपको ये बताना है कि कल्चर ऐसा क्या है। एक तो आपको स्पेसिफिक कल्चर के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और वो स्पेसिफिक कल्चर की वजह से कैसा मिलिट्री रिस्पॉन्स निकल के आता है आपको ये बताना पड़ेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको नेशन के स्ट्रैटेजिक कल्चर और मिलिट्री रिस्पॉन्स दोनों को कनेक्ट करना है। अगर आप ढंग से कनेक्ट या रिलेट नहीं कर पाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अब हम इसमें, अगर जैसे मैं हमेशा से बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप संधि विच्छेद करो, डाइसेक्ट करो, और फिर उसमें से स्पेसिफिक कंपोनेंट, जनरल कंपोनेंट आप निकालो। तो स्टूडेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट जो होगा वो एक्चुअली मेन की कंपोनेंट होगा, और इसी के बारे में आप सबसे ज्यादा लिखोगे अपने ऐसे के मेन बॉडी में, राइट। और जो जनरल कंपोनेंट होगा उस जनरल कंपोनेंट से आप अपना इंट्रो शुरू कर सकते हो। अब ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में आपको मेन बॉडी में बात करनी है, और कंक्लूजन में जितने भी की कंपोनेंट है सबको लेकर आना है। तो इसमें जो की कंपोनेंट है, एक तो स्ट्रैटेजिक कल्चर और दूसरा है मिलिट्री रिस्पॉन्स, दो ही है। तो इसमें जो स्पेसिफिक की कंपोनेंट कौन सा होगा, उसमें स्पेसिफिक की कंपोनेंट कल्चर होगा। एक्चुअली आपको कल्चर के बारे में बताना है, और उस कल्चर का की वजह से कौन सा मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है वो भी बताना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं आपको दोनों को कनेक्ट करना है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप दोनों को रिलेट नहीं कर पाए अपने कंटेंट के जरिए तो फिर प्रॉब्लम है। फाइन। तो चलिए इंट्रो आप जनरल से शुरू करोगे। कभी भी इंट्रोडक्शन में ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कभी भी नहीं करना चाहिए। आप आधा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दो, ठीक है, पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दोगे, ऐसे लगेगा जीएस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे का जो
आंसर है उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहाँ से शुरू किया है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स टेल अस दैट कल्चर एक्सप्लेन्स द वे ह्यूमन बीइंग्स एक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कल्चर का मैंने सिर्फ कल्चर लिया है, मैंने कहा ना आप आधा 1/4 1/3 ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करो, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मैंने सिर्फ कल्चर लिया है और मैंने ये बताया है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, ठीक है, वो हमें बताता है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स एक्ट करते हैं। एक्चुअली हमें कल्चर बताता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे एक्ट करते हैं। फिर मैंने बताया कल्चर क्या होता है, सेट ऑफ बिलीफ कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। अब उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी पे आ गई, स्ट्रैटेजी रेफर्स टू एक्शन प्लान टू अचीव मिलिट्री गोल्स, ठीक है, देयरफॉर स्ट्रैटेजिक कल्चर। अब मैं स्ट्रैटेजिक कल्चर पे आई, इज डिफाइंड एज अ नेशंस मिलिट्री रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड परसेप्शन ऑफ वॉरफेयर। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ग्रेजुअली अनफोल्ड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम एब्रप्टली सडनली मैंने अनफोल्ड किया है, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कल्चर क्या होता है, स्ट्रैटेजिक कल्चर मिलिट्री रिस्पॉन्स टूवर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस, यानी आप किस तरह से सिक्योरिटी चैलेंजेस या किस तरह से वॉरफेयर को परसीव करते हो वो पूरा कल्चर डिटरमाइन करता है। अब स्ट्रैटेजिक कल्चर का सोर्स क्या है, नेशन का ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये स्ट्रैटेजिक कल्चर का सोर्स है। तो बेसिकली कल्चर बनता क्या है, नेशन के ज्योग्राफी से। अब जैसे आप उत्तराखंड में जाओगे तो उस उनकी जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी की वजह से उनके रहन सहन डिटरमाइन होते हैं, उनकी ज्योग्राफी की वजह से उनका जो लाइवलीहुड है वो अलग तरीके का होता है और किस तरह से वो जो मिशाप होते हैं नेचुरल जो मिशाप होते हैं उनको वो डील करने का उनका तरीका भी अलग होता है, राइट। और उत्तराखंड के लोग जैसे कि बहुत ज्यादा स्टर्डी और स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां से बहुत सारे आम पर्सोनल निकल के आते हैं, आर्मी पर्सोनल सॉरी वो निकल के आते हैं, राइट। तो बहुत हद तक ज्योग्राफी डिटरमाइन करता है, वैसे ही हिस्ट्री डिटरमाइन करता है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है। तो हम इसी के बारे में अब हम सेकेंड पैराग्राफ में आ रहे हैं और अब हम पूरे ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करेंगे, द लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजिक कल्चर मिलिट्री रिस्पॉन्स, ये लिंक ही बता रहा है, इज वेरी वेल एविडेंट। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया सेकंड पैराग्राफ में। आपको सेकंड पैराग्राफ में कोशिश करो अपने ऐसे क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर दो, वरना फिर एग्जामिनर आपके ऐसे में ढूंढता रह जाएगा कि भाई कहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो मेन थीम है उसके बारे में कहाँ पर लिखा है। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे एग्जामिनर का टाइम वेस्ट हो कि वो ढूंढता रहे। द लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजिक कल्चर मिलिट्री रिस्पॉन्स इज वेरी वेल एविडेंट इन इसराइल। अब मैं यहाँ पर इसराइल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया, मैंने सिर्फ तीन कंट्री का एग्जाम्पल लिया है, इसराइल पाकिस्तान और इंडिया। इन तीनों कंट्री का स्ट्रैटेजिक कल्चर बताकर और फिर वो स्ट्रैटेजिक कल्चर किस तरह से डिटरमाइन कर रहा उनका मिलिट्री रिस्पॉन्स वो बता रही है, फाइन। तो मैं सबसे पहले इसराइल के बारे में बता रही हूँ, इसराइल बींग अमंग द 10 मोस्ट मिलिट्रली पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। Since Israeli had been subject to persecution since antiquity, यहाँ पे politics आ गया, every Israeli citizen is committed to preserving his existence. इनमें इतनी insecurity है कि सबको इनको लगता है कि security को preserve करने के लिए, अपने existence को preserve करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तैयार हैं। This is the reason why the nation has a mandatory military service for everyone above 18 years. तो ये है military response. This policy ensures that Israeli has its citizens ready for war anytime. अब पाकिस्तान का बता रहे हैं, पाकिस्तान इतना परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है डिस्पाइट फाइनेंशियल क्रंच। दिस हैज टू डू विद कंट्रीज इंटेंस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी दैट आर डीपली रूटेड इन द पास्ट। पाकिस्तान को हमेशा से ऐसे ही लगता है कि उनको जो देश मिला है वो कंप्लीट नहीं है, पूरा का पूरा नहीं मिला, उनको आधा से भी कम मिला है, ये चीज उनमें हमेशा से, ये ग्रज हमेशा से रही है। तो इट हैज इनहेरिटेड एन इनकम्प्लीट नेशन फ्रॉम द ब्रिटिश,
एंड इंडिया इज इट्स बिगेस्ट एनिमी, ऐसा पाकिस्तान का अजम्पशन है. पाकिस्तान इज प्लेइंग विद इट्स स्टोन लिगेसी बाय यूजिंग इस्लाम एज अ टूल टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान वीक इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे इकोनॉमी आ गया, एंड वीक इंटरनेशनल स्टैंड हैव फोर्स्ड इट टू अडॉप्ट गुरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि इकोनॉमी भी उनकी वीक है, तो वो एकदम जो होता है ना फुल फ्लेजेड वॉर में आप वो नहीं घुस सकते हैं, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते हैं एज दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड ऑफर्स प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी. वो आराम से डिनाई भी कर सकते हैं भाई हमने ऐसा नहीं किया, और इनएक्सपेंसिव भी होता है. तो ये पाकिस्तान का कल्चर है, ठीक है, इनसिक्योर कल्चर है, जिसकी वजह से उनका मिलिट्री रिस्पॉन्स इस तरह से होता है. अब हम इंडिया पे आते हैं. हिस्टोरिकली इंडिया इज सब्जेक्ट टू लार्ज स्केल फॉरेन इनकर्शन, कॉन्सिक्वेंटली इट हैज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. फॉरेन इनकर्शन हमेशा से हुआ है, साउथ में भी हुआ है, नॉर्थ में भी हुआ है. साउथ में ट्रेड से कनेक्टेड हुआ था और नॉर्थ में इन्वेजन हुआ था, राइट. तो इसी की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है अब्सॉर्ब करने की और अडेप्ट करने की. दैट हैज लेड इट टू मेंटेन डिफेंसिव पोस्चर, उसका अटैकिंग पोस्चर नहीं है, डिफेंसिव पोस्चर ऑफ मेकिंग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, बट सेवरल टेररिस्ट अटैक्स हैव चैलेंज. तो हमेशा से इंडिया का डिफेंसिव भी पोस्चर रहा हुआ है, मगर इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं तो इससे क्या हुआ, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इनहेरेंट स्ट्रैटेजिक कल्चर है ऑफ अब्सॉर्बिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, टॉलरेट करने का जो कल्चर है, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इसीलिए इंडिया ने अपना सर्जिकल स्ट्राइक किया है. तो इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक टेस्टिफाइज इट्स ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम बीइंग डिफेंसिव टू ऑफेंसिव. तो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, कंक्लूजन में आपको सारे की कॉम्पोनेंट्स लेकर आने हैं, वरना आपका कंक्लूजन इनकम्प्लीट लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो ऐसे क्वेश्चन से डिसकनेक्टेड है. स्ट्रैटेजिक कल्चर इज अ लेंस दैट इनेबल अस टू इंटरप्रेट नेशन मिलिट्री एक्शन. हम किसी का भी नेशन का कल्चर देखकर उनका मिलिट्री एक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं. पाकिस्तान हैज इंटरप्रेटेड इंडिया स्ट्रैटेजिक कल्चर वेरी वेल, देयर बाय थ्रेटनिंग इंडिया सिक्योरिटी. इंडिया शुड सी पाकिस्तान एंड चाइना थ्रू सिमिलर लेंस एंड अंडरटेक कवर्ट और ओवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट हॉस्टाइल नेबर्स व्हेनेवर द सिचुएशन डिमांड. तो सिचुएशन जैसे ही डिमांड करता है उसी हिसाब से कवर्ट और ओवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन अंडरटेक करना चाहिए इंडिया को. और इसमें एक सजेशन दिया है कि इंडिया को भी स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रैटेजिक कल्चर. आई होप ये ऐसे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और सिक्योरिटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक यू वेरी मच.